है. सो एक तरफ है एकदम अपना वड़ा सांभर, एक तरफ है वड़ा पाव. दोनों जगह वड़ा कॉमन है बट ये अभी आपस में बढ़ रहा है. I'm talking about वड़ा सांभर यानी चेन्नई और वड़ा पाव यानी मुंबई. इनके बीच में चल रहा है द फाइनल ऑफ द इंडियन T20 लीग. कौन जीतेगा? ओनली टाइम विल टेल. बट मात जो भी जीते, यहाँ आप जीतेंगे यानी डिपेंड करेगा कि आप सवालों के जवाब देते हैं या नहीं. हाय एंड वेलकम टू ब्रेन बाजी संडे एडिशन. मैं हूँ आपके साथ सुकृति. यानी कि क्विज ऐसे चलेगा, आई एम गोना आस्क यू 9 क्वेश्चंस. हर सवाल के होंगे 3 ऑप्शंस, 2 गलत 1 सही, और आपको सही जवाब पे ही क्लिक करना है. बट ऑलवेज इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड्स. और अगर आपने सारे सवालों के जवाब अच्छे से दिए, देन यू टेक बैक योर शेयर ऑफ 50,000 रुपीज राइट देयर ऑन योर स्क्रीन. 50,000 रुपए में से अपना हिस्सा घर लेके जाएंगे. ओके, ऑल क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन 7 जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट्स कॉल्ड कल नायक सवाल. यानी कि हम एकदम एडवांस में लेके चलते हैं, कल के लिए नायक बनाएंगे आपको. इस सवाल को आप तब भी अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप गेम में नहीं है और बिना लाइफ यूज करे सही जवाब दिया. देन यू विन अ फ्री लाइफ योरसेल्फ. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं दिस एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी. ऑलमोस्ट 15,000 से ज्यादा लोग आकर बैठ गए हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रेडी? आपके स्क्रीन पे ये रहा इंडिया का नेशनल माइक्रोब. ये कोई माइक्रोब है? ये जो बैक्टीरिया है, पर ये किसके प्रोडक्शन में यूज होता है? टी, ब्रेड या फिर योगर्ट? बताओ यार. नेशनल ट्री सुना है, नेशनल एनिमल सुना है, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, ये सब ठीक था. नेशनल माइक्रोब ये कब आ गया यार? वैसे इसके लिए प्रॉपर वोटिंग हुई थी जिसमें बच्चों ने कहा था कि लैक्टोबैसिलस को सिलेक्ट किया गया एज अ नेशनल माइक्रोब. तो लैक्टो एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिल्क. बट व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर आ गया है, द राइट आंसर ऑफ दिस ट्री इज योगर्ट. दैट्स राइट, 7,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया. वैसे माइक्रोब से दही बनता है. एंड दही से ना यार, मेरे को एक इंसिडेंट हमेशा याद आता है कि एक बार ना मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स आए थे और हमने उन्हें केले का रायता दिया. एंड दे वर शॉक, केले का रायता, ये तो फर्स्ट टाइम सुना है. आपके घर में बनता है? अगर बनता है तो आई थिंक आप और हम दुनिया के 1% लोगों में से हैं. बहुत कम लोगों के घर बनता है केले का रायता. आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे. क्वेश्चन 2 ये रहा, कहाँ पे आपको एक स्कूल मिलेगा नेम्ड आफ्टर द महाराज ऑफ नवानगर? फ्रांस, जर्मनी या पोलैंड? इस सवाल का जवाब प्लीज प्लीज गलत मत करिएगा, क्योंकि सवाल का जवाब अभी देखे गई थी जस्ट बिफोर द गेम इन द चीट कोड. वैसे इस कंट्री में एक स्कूल है जिसका नाम है द जाम साहेब दिग्विजय सिंह जडेजा स्कूल. हाँ, बट कौन सी कंट्री की मैं बात कर रही हूँ? वैसे इसके पीछे काफी स्वीट स्टोरी है एंड इट गोज बैक टू वर्ल्ड वॉर 2 के पहले का टाइम. बट व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस ट्री? द आंसर इज बीन लॉक्ड इन एंड द राइट आंसर इज पोलैंड. आई एम सो इम्प्रेस्ड. 9,460 लोगों में से आई थिंक सबने चीट को ध्यान से सुना, बिकॉज दिस वाज अ टफ क्वेश्चन. यू स्टिल गॉट इट राइट. 551 पीपल गेटिंग बैक इनटू द गेम यूजिंग देयर लाइव्स. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पोलिश लोगों की मदद इन्होंने बहुत ज्यादा की थी और इसकी वजह से ये स्कूल पोलैंड में जाके खोला गया. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. मेरे साथ खेलेंगे 10,000 से ज्यादा लोग आपकी स्क्रीन पे. ये रहा, इनमें से कौन सा इज नॉट अ नेम ऑफ द डेली मील्स ईटन बाय मुस्लिम्स ड्यूरिंग रमजान? हलाल, इफ्तार या सहरी? वैसे अगर आपने रोजे रखे हुए हैं सो हैप्पी रमजान टू यू. एंड रमजान जो होता है दैट्स द 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. अच्छा हाँ, एक मिनट, रमजान से याद आया, रूह अफ़ज़ा आपके पास है? ओह वाओ, क्योंकि मार्केट में उसकी शॉर्टेज चल रही है यार. अगर आपके पास है सो यू आर द लकी वन. थोड़ा मतलब इधर भी पास कर दीजिए यार, मतलब प्लीज प्लीज. वैसे रमजान शुरू हुए थे 5th मई को एंड खत्म होंगे ऑन द 4th ऑफ जून. बट व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस ट्री? वेरी वेरी इजी, इट इज हलाल. 8,917 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया. यानी कि जो सुबह उठ के जस्ट बिफोर सनराइज जो मील होती है दैट्स कॉल्ड सहरी, और जो शाम को होती है जस्ट आफ्टर सनसेट दैट्स कॉल्ड इफ्तार. दैट्स राइट, 310 people coming back into the game using their lives. Question number 4 mein saath khelenge 9,227 log aapke screen pe. Ye raha, किस मॉन्यूमेंट की घंटियों को एक बार वॉर के वेपन्स बनाने के लिए मेल्ट किया गया था? इमेजिन, वॉज इट द नॉटरडेम कैथेड्रल, बिग बेन या फिर लिबर्टी बेन? वैसे 2012 में इसकी बेल्स को रिस्टोर भी कर दिया गया था, तो एक ही बेल बचा था आफ्टर द रेवोल्यूशन जो इस कंट्री में हुआ, जिसमें सारी बाकी की बेल्स को मेल्ट करके कैनन्स बना दी गई थी. तो जो एकमात्र बेल बचा था उसका नाम था इमैनुअल. इसको बहुत डीप, इसका बहुत डीप साउंड होता था एंड दिस वॉज मेड इन 1686. बट मैं किस
एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ. The answers are in and the right answer is Notre Dame Cathedral. That's right. 593 people only answering this one correctly. Oh my God. बहुत सारे लोग Liberty Bend के साथ confuse कर गए. That was the wrong answer. I was talking about the French Revolution के time इसकी bells को melt करके cannons बनाया गया था. But almost 9000 people asking this question incorrect. ये बन जाता है हमारे आज के game का पहला गब्बर सवाल. Gabbar Sawal. 5,063 people coming back into the game using their lives. Yari, question 5 mein mere saath khelenge. 5,656 log. What a number. 5656. Question 5 aapke screen pe. Ye raha. Ek study ke according, India ke GDP kitne se badh jayegi annually agar ek two time zone policy enforce kar di jaye. $4.2 billion, $42 billion या $42 million. What a confusing option है ना. मतलब ऐसे option देख के school के MCQs याद आ गए. यार इसमें भी ऐसे अजीब से एकदम confusing options होते थे. वैसे यार अगर इंडिया की बात की जाए ना तो इंडिया के ईस्ट में सन 2 घंटे पहले राइज कर जाता है. And that's why you're talking about the time zones here, okay? What is the right answer to these three? The right answer is $4.2 billion. All right then, only 1,594 people answering this question correctly. यानी ये बन जाता है हमारे आज के गेम का I don't believe this. Almost 4,000 people answering this question incorrect. दूसरा गब्बर सवाल. गब्बर सवाल. वैसे एक नए पेपर में मौलिक जगनानी एक इकोनॉमिस्ट है फ्रॉम द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. उन्होंने आर्ग्यू किया है कि अगर टू टाइम जोन हो जाए इंस्टेड ऑफ अ सिंगल टाइम जोन तो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेशली फॉर पुअर चिल्ड्रन इंक्रीज कर जाएगी जिसकी वजह से जीडीपी पे भी अफेक्ट पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ खेलेंगे. 1,808 लोग ओनली आपकी स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा. कहां पे यू विल फाइंड लार्ज इमेजेस कार्व्ड इनटू द ग्राउंड मेड बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस. बालासोर, रत्नागिरी या भीमबेटका. वैसे जो लार्ज केविंग्स होती है ना असेंशियली देर लाइक लाइन ड्रॉइंग्स इन द ग्राउंड. इनको टेरोग्लिफ्स बुलाया जाता है. हाँ, इस रॉक कार्विंग्स की डिस्कवरी विच इज बिलीव टू बी टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड ने दुनिया भर में आर्कियोलॉजिस्ट को काफी एक्साइट कर दिया है. और इस एरिया में ऐसी हंड्रेड्स ऑफ कार्विंग्स डिस्कवर की गई हैं. बट मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ ये आपको बताना था. द आंसर था इन एंड द राइट आंसर इज रत्नागिरी. और राइट, आई डोंट बिलीव दिस. Only 174 people getting this question right. बहुत सारे लोग भीमबेटका के साथ confuse कर गए. That was the wrong answer. ये बन जाता है हमारे आज के गेम का तीसरा. I don't believe this is not गब्बर. This is महागब्बर सवाल. गब्बर सवाल. अरे रे, only 40 people using their lives coming back into the game. But don't go anywhere क्योंकि हम पहुंच गए हैं to question 7 जिसका नाम होता है the कल नायक सवाल. मेरे साथ खेलेंगे 13,000 से ज्यादा लोग. अगर आपने बिना लाइफ यूज करे सही जवाब दिया यू विन अ फ्री लाइफ योरसेल्फ. सो क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा. किस ओवरसीज क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा रन स्कोर करे हैं इन देयर इंडियन T20 लीग करियर. क्रिस गेल, डेविड वार्नर या एबी डिविलियर्स. वैसे लाइक आई टोल्ड यू अभी एकदम लाइव मैच चल रहा है T20 का फाइनल मुंबई और चेन्नई के बीच में. व्हाट इज द स्कोर राइट नाउ. मुंबई का स्कोर इज 100 हो गए. 100 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. एकदम 14 ओवर्स हो गए हैं. क्या होगा, हु इज गोना विन दिस फाइनल, ओनली टाइम विल टेल. बट यहाँ पे विल यू विन और नॉट देखते हैं. इफ यू विन अ लाइफ योर सेल्फ आंसर आ गया है एंड द राइट आंसर इज डेविड वार्नर. 5,420 28 लोगों ने ही सही जवाब दे दिया. वेरी वेरी नाइस. वैसे ओवरऑल सबसे ज्यादा रन स्कोर करे विराट कोहली ने, विच इज 5,412. बट डेविड वार्नर वो फॉरेनर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किया. गेटिंग माय पॉइंट. 5,428 लोगों ने सही जवाब दिया बिना लाइफ यूज करे. यानी कंग्रेचुलेशंस, यू विन अ लाइफ फॉर योरसेल्फ. बट हम पहुंच गए हैं टू द सेमी फाइनल क्वेश्चन. आई डोंट बिलीव दिस. मेरे साथ खेलेंगे सिर्फ 112 लोग. ओनली 112 पीपल. क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा. इनमें से कौन सी कंट्री इज नॉट वन ऑफ द 8 कंट्रीज जो साइक्लोन्स को नेम करती है दैट टेक प्लेस इन द इंडियन ओशन. इज इट म्यांमार, इज इट थाईलैंड और इज इट इंडोनेशिया. यू नो अगर आपने न्यूज देखी है, इफ यू फॉलोइंग द न्यूज, तो आपने फेनी के बारे में सुना होगा, द साइक्लोन दैट हैपेंड इन द बे ऑफ बंगाल. इससे पहले बहुत सारे साइक्लोन्स हुए लाइक हुड़हुड़, ओक्ची, तितली, गाजा. बट इनको नेम कौन करता है? सो देर आर दीज 8 कंट्रीज जिनका एक अरेंजमेंट होता है, एक टेबल होता है 8x8 टेबल जो सिस्टम ऑफ रोटेशन से डिसाइड करता है कि ये लिस्ट कैसे प्रोग्रेस करे. That is the whole process. But what is the right answer? Kis list mein kaun nahi aata hai? The answers are in and the right answer is Indonesia. That's right. 77 logon ne hi sahi jawab diya. Oh my God.
ओके, दो लोग वापस आए गेम में. वैसे 8 कंट्रीज कौन सी हैं मैं बता देती हूँ. बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका एंड थाईलैंड. ये हैं 8 कंट्रीज. वैसे नेक्स्ट साइक्लोन जो खुदा ना खासा कभी आए, बट अगर आए तो उसका नाम होगा वायु, जो इंडिया ने सजेस्ट किया है. दैट्स राइट. और हम पहुंच गए हैं टू द फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी. मेरे साथ खेलेंगे ओनली 74 पीपल. ओके देन, हु इज गोना विन देयर शेयर ऑफ 50,000 रुपीज? लेट्स सी. आपकी स्क्रीन पे ये रहा. ऐसा एक बिलीफ है कि इन तीनों में से किसी एक का नाम पड़ा था ड्यू टू अ स्पेलिंग एरर व्हेन इट वाज बीइंग नेम्ड. परेल, पंडारा रोड या पिंपल सौदागर. इमेजिन, मतलब एक स्पेलिंग एरर की वजह से इनका नाम पड़ गया. वैसे इस जगह के नाम को कहा जाता है कि क्लेरिकल एरर हुआ था, क्योंकि एक क्लर्क मोस्ट प्रोबेबली हैंड रिटन नोट को टाइप करते समय गलत पढ़ लिया उन्होंने, तो वो लेटर स्विच हो गया. बट हुआ कहाँ होगा? पंडारा रोड इज इन दिल्ली, परेल जो है वो मुंबई में है, एंड पिंपल सौदागर इज इन पुणे. बट व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस? The answers are in, and the right answer is Pandara Road. Oh my god! Only 27 people getting this one right. We started with 15,000 people, we down to 27 logon ne hi sahi jawab diye. Pandara Road ka naam originally hone wala tha Pandava, named after the heroes of the Mahabharat, but nahi, wo V ka R ho gaya, isliye ban gaya Pandara. 7 people coming back into the game using their lives and waqt pe aake. Yani I think in the history of brain bazi, only 34 people winning. Only 34 people winning. You guys definitely are the stars of the show, and I think stars ko ekdam bada wale stars, ekdam Diwali ho jani chahiye. Aapki stream pe ye rahi. What an exciting game! Oh my god, I don't believe this. अगर आप जीत गए तो आज तो definitely एक photo बनती है, video बनता है. You win yourself 1,470 rupees. That is a big amount. Okay, Sagarita, SK, Soel, Pramod, Monitor, Chotu Kumar, Mahi, Aju, Sagnik, Mitra, Dev, Nazir, Rajdeep, Ghoshi, Pankaj, Tihari, Ritu, congratulations. 34 winners में से आप भी एक हैं. वाह जी वाह. आई थिंक डेफिनेटली एक फोटो बनती है. प्लीज पुट अप अ फोटो ऑन सोशल मीडिया विद हैशटैग ब्रेनबाजी एंड से दैट्स अ कृति. थैंक यू. वैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका मौका मिलेगा टू विन मनी, यू नो यू वन योरसेल्फ सो मच मनी, तो बता देती हूँ 9 बजे खेलेगा पोल बाजी. कल 1 बजे मंडे का दिन शुरुआत हो जाएगी विद ब्रेनबाजी प्लस. 3 बजे खेलेगा पोल बाजी मिनी एंड 4:30 बजे खेलेगा बिंगो बाजी. यस ओके, आई एम गोना गो राइट नाउ, बट लाइक आई ऑलवेज टेल यू ऑन ब्रेनबाजी दैट कीप ब्रशिंग योर ब्रेन्स, क्योंकि अब आपको डेफिनेटली पता है कि ये ही आपको हेल्प करता है. 1,470 रुपीज मुबारक हो आपको. जाते जाते आपको सुकृति सलाम.